अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैशनवर है और 9 क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 9 के आखिरी दो टॉपिक्स रह गए हैं जो हमने कवर करने हैं। हम ट्रांसपोर्ट इन मेन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो टॉपिक रह गए हैं वो ब्लड वेसल से रिलेटेड हैं, जिसमें आर्टरीज, वेन्स हैं और उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं। तो ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें, हमने कहा था कि कोई भी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम ब्लड का नाम देते हैं, एक उसके अंदर इस फ्लूइड को पंप करने वाला हार्ट होता है, कोई पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि यूजुअली हार्ट होता है, और फिर जिन नालियों के अंदर जिस रास्ते के ऊपर ये खून बह रहा होता है वो ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली बिल्डिंग्स हैं, सॉरी, जिस तरह बिल्डिंग्स जो है उनके कॉरिडोर होते हैं, जो पैसेज वे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर वर्क करती हैं। तो जितने भी टिश्यूज़ हैं उनके थ्रू गुजर रही होती हैं ब्लड वेसल्स, और इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो हमारा ब्लड मौजूद होता है। क्योंकि जो मैन का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कभी भी जो है वो ब्लड वेसल्स से बाहर नहीं आता, हमेशा ब्लड जो है वो इन्हीं वेसल्स के अंदर रहता है। तो ये ब्लड वेसल्स इन टिश्यूज से गुजर रही होती हैं और जाते हुए जो है वो इन्हें मटेरियल सप्लाई करती हुई जाती हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल इनसे उठाना होता है वही उठा लेती हैं। अगर इनके डायमीटर की बात करें तो कुछ ब्लड वेसल्स ऐसी हैं जो कि एज वाइड हैं एज योर थंब, यानी जितना जितना आपका थंब है, जितने आपके थंब की विड्थ होती है उतना वाइड है, और कुछ इतनी बारीक हैं जैसे कि इंसान का बाल। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन है साइज के अंदर। इनकी अगर हम बात करें जो बहुत बारीक है तो वो कैपिलरीज के अंदर आती हैं, और जो वाइड है उसके अंदर आर्टरी भी वाइड हो सकती है और वेन भी वाइड हो सकती है। ना सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्टरीज कहते कैसे हैं। यूजुअली आर्टरीज के बारे में ख्याल ये होता है कि हर वो ब्लड वेसल्स के जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऐसा ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, उसे हम आर्टरी कहते हैं। इट्स ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द आर्टरीज, बट एक एक्सेप्शन है। यूजुअली जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, यानी वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट एक आर्टरी ऐसी है कि जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो पल्मोनरी आर्टरी है, बिकॉज ये वो आर्टरी है जो कि लंग्स की तरफ ब्लड लेकर जाएगी। किस लिए? ऑक्सीजन हासिल करने के लिए। तो जाहिर है अगर ये लंग्स की तरफ ऑक्सीजन हासिल करने जा रही है तो अभी जिसके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। आर्टरीज की जो मेन डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, फिर चाहे वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो, अगर कोई ब्लड वेसल है जो कि हार्ट से दूर लेकर जा रही है तो वो आर्टरी होती है, और अगर कोई वेसल है जो हार्ट की तरफ वापस लेकर आ रही है तो वो वेन होती है। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं आर्टरीज की। आर्टरी की अगर आप वॉल की बात करें, ये आपके पास आर्टरी जा रही है, आप इसको काटें जिस तरह खीरे का एक पीस काटते हैं, और उसे अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपको तीन दीवारें जो है वो इसके अंदर नज़र आएंगी। ठीक है, तीन दीवारें इसके अंदर नज़र आएंगी। तो वो तीन लेयर्स होती हैं बेसिकली। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो सिर्फ सेल से बनी हुई होती है, एक सिंगल लेयर होती है सेल की, जिनको हम एपिथीलियल टिश्यू नहीं कहते, इन्हें एंडोथीलियल टिश्यूज कहते हैं। एपिथीलियल तो आउटर कवरिंग को कहते हैं, तो ये एंडोथीलियल टिश्यू से बनी होती है, ये एपिथीलियल नहीं होते। ठीक है, ये एंडोथीलियल होता है। तो बस ये सिंगल सेल की लेयर होती है जिससे ये अंदर वाली लेयर बनी हुई होती है। जो मिडिल लेयर होती है उसके अंदर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। स्मूथ मसल एक ऐसी टाइप के मसल्स होते हैं जो कि हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, यानी एक मसल वो है जो कि मेरे हाथों के अंदर है, मैं अपनी मर्जी से इसे मूव करता हूँ, लेकिन एक मसल ऐसा है जो कि मेरी बॉडी के बहुत सारे पार्ट के अंदर है जो मेरे इख्तियार में नहीं होता, तो उस वो टाइप जो है स्मूथ मसल कहलाती है। तो आर्टरीज जो हैं उनका डायमीटर जो है, यानी ये इसके अंदर इसका लुमेन है जिसमें ब्लड मौजूद है, ठीक है, तो अभी इसका डायमीटर आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। इन आर्टरीज का डायमीटर कम भी हो जाता है, ये छोटी भी हो जाती हैं, वो इसी वजह से होता है कि ये जो स्मूथ मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये हमारे इख्तियार में नहीं होता, जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो वो डायमीटर कम भी कर लेते हैं और ज़्यादा भी कर लेते हैं। अच्छा, दो लेयर्स हो गई। इसके बाद जो आउटर लेयर है वो एक तरह के टिश्यू से बनी होती है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ये अभी फ़िलहाल आपके लेवल से थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, इन लेयर्स की वजह से जो आर्टरीज़ हैं उनके पास स्ट्रेंथ भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। आर्टरीज़ जो हैं वो टफ होती हैं एज़ कम्पेयर टू द वेन्स, और दूसरी बात यह है कि आर्टरीज़ जो हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है आर्टरीज़ के अंदर, चूँकि आर्टरी, अच्छा एक और बात आर्टरीज से रिलेटेड कि आर्टरीज़ का जो लुमेन होता है, लुमेन जो है वो अंदर वाली स्पेस को कहते हैं जहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो आर्टरीज़ का लुमेन जो है वो वेन के लुमेन के मुकाबले में कम होता है, और चूंकि लुमेन कम होता है तो ब्लड इसके अंदर प्रेशर से फ्लो करता है। एक रीज़न ये भी, और दूसरा रीज़न ये भी है कि पीछे से हार्ट जो है वो पम्प कर रहा होता है। कुछ आर्टरी से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि राइट वेंट्रिकल हमारा जो है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लड को पम्प करता है, कौन सी आर्टरी के अंदर? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पम्प करता है ब्लड को कौन सी आर्टरी के अंदर? जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है जिसका नाम है एओर्टा। एओर्टा जो है वो बाकी पूरी बॉडी को सप्लाई करता है।
तमाम ऑर्गन्स जो हैं उनको ब्लड मिलता है आर्टरी से, जो कि एओर्टा की ब्रांच होती है, क्योंकि जाहिर है जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा में जा रहा है और फिर आगे एओर्टा ही ब्रांचेस देती है जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के उन्हें सप्लाई करती हैं। तो पहली ब्रांच जो है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी जो है ये हार्ट से रिलेटेड आर्टरी होती है, तो कोरोनरी आर्टरी वो है जो कि हार्ट को सप्लाई करेगी। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि हार्ट के अपने पास इतना सारा ब्लड है तो उसे ब्लड सप्लाई की ज़रूरत क्यों है। तो हार्ट के अंदर भी ना तीन लेयर्स होती है, तो जो अंदर वाली लेयर होती है ना उसको तो ऑक्सीजन वगैरह मिल जाती है जो ब्लड हार्ट के अंदर पड़ा हुआ होता है उससे, लेकिन जो हार्ट की बाहर वाली लेयर है उसको सप्लाई उसको ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ये आर्टरीज होती हैं जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज का नाम देते हैं। तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है और इन्हीं आर्टरीज के अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाए तो पेशेंट को जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी है। इसके अलावा कुछ ब्रांचेज है जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं, जैसे कि कैरोटिड आर्टरीज होती हैं जो कि ऊपर की तरफ जाती हैं, कुछ इंटेस्टाइन को सप्लाई करती हैं और कुछ अदर ऑर्गन्स को। तो सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं उन्हें सप्लाई जो है वो आपके इस एओर्टा की ब्रांचेज से मिलती है। ना आर्टरी से रिलेटेड बात होगी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेन्स। ना वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय इस वाली वेन के। जिस तरह से आर्टरीज का था बिल्कुल इसी तरह ये वो वेन है जो कि ब्लड को लेकर आएगी हार्ट की तरफ। कहाँ से लेकर आएगी? ये लंग्स से लेकर आती है। तो जाहिर है जब लंग्स से ये लेकर आ रही है तो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वेन्स की मेन डेफिनेशन ये होती है कि दे कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट की तरफ लेकर आती है जबकि आर्टरीज जो है वो हार्ट से लेकर जाते हैं। अगेन जो वेन की वॉल्स होती हैं वो भी तीन लेयर्स की बनी हुई होती हैं। एक उसके अंदर सबसे आउटर लेयर होती है जो कि अगेन कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होगी, उसके बाद दरमियान वाली लेयर होगी जो कि मिडिल लेयर होगी जिसके अंदर मसल्स होंगे, बट इसके अंदर एज कम्पेयर टू द आर्टरी मसल्स कम होते हैं, तो कम मस्कुलर होती है। अच्छा, इसके अलावा अंदर वाली जो लेयर है वो उसी तरह की होगी, थिन होती है जैसे आर्टरीज की होती है। जो मैंने बात बताई थी कि जो आर्टरीज होती हैं उनका अगर आप डायमीटर देखेंगे अंदर तो वो कम होगा, ये डायमीटर है, इस स्पेस को हम लुमेन कहते हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो ये आर्टरीज का लुमेन है, इसके मुकाबले में वेन का जो लुमेन होगा वो इस तरह से होगा, वेन का लुमेन ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बारीक होती हैं जबकि आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। इसी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वेन के अंदर वो कम होता है, क्योंकि इसके अंदर जगह तंग है तो प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो आर्टरीज के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है। ऊपर से जो हार्ट है वो पंप भी कर रहा होता है पीछे से, तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, जबकि वेन्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो लोअर होता है। एक और डिफरेंस जो आर्टरीज और वेन के दरमियान में होता है वो ये है कि आर्टरी के अंदर कोई वाल्व्स नहीं होते। इफ़ यू रिमेंबर, हार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ वाल्व्स होते हैं, जो मैंने कहा था दरवाजे होते हैं जो कि एक तरफ से ब्लड को आने देते हैं, वापस जाने नहीं देते, बैक फ्लो को रोकते हैं। तो इस तरह के वाल्व्स जो हैं वो आर्टरीज में नहीं पाए जाते, हार्ट में पाए जाते हैं और वेन्स में पाए जाते हैं। उसका रीज़न है, आर्टरीज के अंदर बैक फ्लो होता ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आर्टरी के पीछे जो है वो हार्ट है, हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है। अब जब ये ब्लड आने की कोशिश वापस आने की कोशिश करेगा तो हार्ट दोबारा से पंप करेगा, फिर ये ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा तो हार्ट दोबारा से पंप करेगा। तो चूंकि पीछे पंपिंग ऑर्गन मौजूद है तो ब्लड जो है वो वापस नहीं आ सकता। वेन्स के अंदर ऐसा नहीं है, वेन्स के पीछे कोई पंपिंग ऑर्गन मौजूद नहीं है, तो वेन्स के अंदर ये दरवाजे मौजूद होते हैं। ये अगर वेन है हमारे पास तो इसके अंदर ये दरवाज़ा मौजूद होगा। एक बार ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पैरों की वेन्स हैं, तो ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ आ गया, अब अगर ये वापस जाने की कोशिश करेगा तो ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो ब्लड जो है वो सिर्फ वापस आ सकता है, यानी हार्ट की तरफ जा सकता है, दूसरी तरफ नहीं जा सकता। अच्छा, चूंकि वेन्स के पीछे कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता, कोई हार्ट नहीं होता, तो हमारा जो पैरों का ब्लड है वो हमारे हार्ट तक कैसे आता है? तो इस वेन के अराउंड हमारे मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इन वेन्स के ऊपर दबाव पड़ता है, तो जब वेन्स के ऊपर दबाव पड़ता है तो ब्लड यहाँ से ऊपर की तरफ पुश होता है, ठीक है। तो सेमिलनॉयड वाल्व्स होते हैं, आधे चांद की तरह के वाल्व्स होते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं ब्लड के, और ब्लड जो है वो वेन्स के अंदर ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ कैसे आता है, वहाँ पे स्केलेटल मसल्स होते हैं जो कि हमारे पैरों के मसल्स हैं या हाथ के मसल्स हैं, इनकी जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसकी वजह से ब्लड पुश होता है और वो टुवर्ड्स हार्ट जाता है। नालसा के बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज जो हैं ये वो ब्लड वेसल्स हैं, इनके बारे में हम कह रहे थे कि बहुत थिन होती हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं, ये डिफरेंट टिश्यूज के अंदर पाई जाती हैं। होता यह है कि पहले एक बड़ी आर्टरी होती है, फिर उससे छोटी आर्टरी बनती है, फिर उससे और छोटे आर्टेरियोल्स बनते हैं, और फिर वो आर्टेरियोल्स डिवाइड होते हैं इस तरह से, और ये जो नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है ये टिश्यू के अराउंड होता है, यहाँ पर टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पर टिश्यू है, यहाँ पर सेल्स हैं, तो ये जो नेटवर्क है ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। आर्टरीज के अंदर हमने देखा था कि इसकी दीवारें जो है वो तीन थी, वेन्स के अंदर भी दीवारें जो है वो तीन थी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक दीवार होती है, सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है सेल की, जिनको हम एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं।
ठीक है, तो ये फ्लैट सेल्स होते हैं जिन्हें हम एंडोथीलियल सेल्स का नाम देते हैं, और पूरी लेयर को हम एंडोथीलियम का नाम देते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड जो है वो कभी भी बाहर नहीं जाता, हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है। तो एक्सचेंज कहाँ पर होता है, मतलब अगर सेल्स को कुछ चाहिए तो वो किस लेवल के ऊपर इस ब्लड में से बाहर जाएगा, तो वो कैपिलरीज के लेवल पे जाता है। आर्टरीज चूंकि थिक हैं और वेन्स भी थिक हैं, इनके अंदर तीन तीन लेयर्स हैं, तो यहाँ से ब्लड में से कोई भी चीज़ बाहर या ब्लड के अंदर कोई भी चीज़ नहीं आ सकती, आर्टरीज के अंदर भी नहीं आ सकती और वेन्स के अंदर भी नहीं आ सकती। तो जैसा ब्लड हार्ट से निकलता है वो सेम रहता है यहाँ पे, यहाँ पर भी सेम रहता है, यहाँ पर भी सेम रहता है। जो चेंजेस आते हैं वो इस लेवल के ऊपर आते हैं, कैपिलरी के लेवल के ऊपर आते हैं। तो कैपिलरी चूंकि बहुत लीकी होती है, यानी इसमें से चीज़ें निकल के जा सकती हैं, तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें जो सेल को चाहिए वो इसमें से निकल के चली जाती हैं, ब्लड नहीं निकलता, सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जो वेस्ट पड़े हुए होते हैं सेल के पास वो निकल के सेल में से निकल के ब्लड में शामिल हो जाते हैं। तो एक्सचेंज जो होता है वो कैपिलरी के लेवल के ऊपर होता है, क्योंकि कैपिलरी की वॉल्स जो होती हैं वो परमिएबल होती हैं, यानी अलाउ करती हैं चीज़ों को कि वो डिफ्यूज़ कर सकें। कैपिलरीज ओरिजिनेट किससे होती है, मैंने बताया पहले बड़ी आर्टरी होती है, फिर छोटी आर्टरी होती है, फिर आर्टेरियोल होता है, तो आर्टेरियोल से फिर आगे जाके ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज से फायदा ये होता है कि जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया है, जो टिश्यूज़ और ब्लड के दरमियान जो मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और कैपिलरीज याद रखना है कि वो वाहिद पार्ट है कि जहाँ पर ये एक्सचेंज होता है। ना दिस इज एन आर्टरी, अब इस आर्टरी के अंदर आपको तीन लेयर्स नजर आ रही हैं, ये सबसे आउटर लेयर है, इस ट्यूनिका लेयर को कहते हैं एडवेंटिशिया या आउटर है। तो ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया या आउटर लेयर है, दोनों के अंदर पाई जाती है, आर्टरी के अंदर भी पाई जाती है, वेन के अंदर भी पाई जाती है, दोनों के अंदर एक तरह का टिश्यू होता है जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उसके बाद ट्यूनिका मीडिया है, दिस लेयर इज मीडिया, अगेन इसके अंदर भी ये लेयर जो है ये मीडिया है। ना ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं इसमें कम होते हैं वेन में। उसके बाद ट्यूनिका इंटीमा है, इंटीमा कह लें या इंटरना कह लें, ये अंदर वाली लेयर होती है, इसके अंदर एक लेयर होती है सेल की और एक और लेयर होती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, बस इस चीज़ से बनी हुई होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है आर्टरी का, और ये पूरा ये तीनों लेयर्स जो हैं ये दोनों के अंदर एक जैसी होती हैं, बट फर्क ये होता है कि उनके उनके साइजेस का फ़र्क होता है। आर्टरी से जो है वो निकलता है एक और आर्टरी, अच्छा पहले बड़ी आर्टरी होती है फिर छोटी, तो ये डायरेक्ट छोटी आर्टरी है, इससे फिर निकलेगा एक छोटा पाइप जिसको हम आर्टेरियोल का नाम देंगे। ये आर्टेरियोल जो है ये आगे जाकर डिवाइड होगा, और इससे ये जो आपको बारीक बारीक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये है ये है, ये कैपिलरी का नेटवर्क है जो दरमियान में पूरा पिंक कलर का नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी। तो ब्लड जो है वो आर्टरी से आर्टेरियोल में जाता है, आर्टेरियोल से कैपिलरी में जाता है, कैपिलरी के लेवल के ऊपर चीज़ें बाहर जाती हैं ब्लड से और ब्लड के अंदर आती हैं, और फिर ये कैपिलरी आगे जाकर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वेनियोल के अंदर, और फिर ये वेनियोल से जो है ये ब्लड वेन के अंदर जाता है और फिर दोबारा से ये हार्ट की तरफ चला जाता है। सो दिस इज हाउ ब्लड वेसल्स जो हैं ये वर्क करते हैं। कुछ बॉडी की मेन आर्टरीज एंड वेन देख लेते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी के बारे में वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड पे होता है, तो ये राइट वेंट्रिकल से निकलती है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये लंग्स के पास जाती है टूवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो मेन आर्टरी है उसका नाम है एओर्टा, एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके टूवर्ड्स द बॉडी जाती है। एओर्टा जो है ये टर्मिनेट हो जाती है इनटू द आर्टरीज ऑफ हेड नेक एंड आर्म्स। आपको बताया कि एओर्टिक आर्च जो है, एओर्टा जहाँ से निकला है वो घूमता है और फिर नीचे की तरफ जाता है, तो इस कर्व को हम एओर्टिक आर्च कहते हैं। यहाँ से जो ब्लड वैस यहाँ से और आर्टरीज निकलती हैं जो कि सप्लाई करती हैं हेड को, नेक को और आर्म को सप्लाई करती हैं, जिसमें कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, ठीक है। एओर्टिक आर्च जो है वो कर्ल करता है बैकवर्ड एंड फिर वो डाउनवर्ड जाता है, और जब ये डाउनवर्ड जाता है तो ये डॉर्सल एओर्टा कहलाता है। अच्छा भाई, इससे फिर फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्रांच है जिसको हम हेपेटिक आर्टरी कहते हैं, वो इस एओर्टा से निकलती है नीचे जाके, हेपेटिक कवर्ड लिवर के लिए इस्तेमाल होता है, तो हेपेटिक आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है लिवर को, रीनल आर्टरी जो है ये सप्लाई करती है किडनी को, और फेमोरल आर्टरी जो होती है ये सप्लाई करती है हमारे लोअर लिम को, तो जो टांगे हैं हमारी उन्हें फेमोरल आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है। ये कुछ मेन आर्टरीज है, ओके यहाँ पर क्लियरली दिखाया हुआ है। ये हमारे पास एओर्टा है, ये हार्ट से निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकल रहा है और कर्ल होकर नीचे की तरफ जा रहा है। इस एओर्टा से फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, ये लिवर की तरफ जाने वाली ब्रांच निकल रही है, ठीक है, दिस इज द हेपेटिक आर्टरी। उसके बाद ये रीनल आर्टरी है जो कि किडनी की तरफ जा रही है, लिवर बॉडी को सप्लाई करने वाली है, स्टमक और इंटेस्टाइन को सप्लाई करने वाली है, तो मल्टीपल वेसल्स जो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा, ये नज़र आ रहा है कि आर्टरी यहाँ से आ रही है, फिर ये बीच का जो नेटवर्क है ये कैपिलरी नेटवर्क है,
और उसके बाद फिर ये वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मेन वेन्स की अगर हम बात करें तो वेन्स जो हैं वो ब्लड रिटर्न करवाती हैं। अब इसमें एक मेन वेन जो है वो पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन जो है ये लंग्स से वापस आ रही होती है हार्ट की तरफ ब्लड लेके, और वो ब्लड चूंकि लंग्स से आ रहा है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कहाँ पर आती है ये पल्मोनरी वेन? ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर आती है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड पर आता है। अच्छा, इसके अलावा एक और मेन है वो इन्फीरियर वीना केवा है। इन्फीरियर वीना केवा जो है वो नीचे वाली बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट की तरफ आती है। ये बिल्कुल एओर्टा के साथ साथ चल रही होती है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर बॉडी से। इसके अलावा एक सुपीरियर वीना केवा होती है जो कि अपर बॉडी से जो है, ये सुपीरियर वीना केवा है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हेड से, नेक से और आर्म से। सॉरी आई हैव टू गो, हाँ कहा था मैं सुपीरियर वीना केवा। सुपीरियर वीना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है हेड से, नेक से और आर्म से, और ये डंप करता है राइट एट्रियम के अंदर, बिकॉज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट साइड के ऊपर ड्रेन होता है। ओके, कुछ वेन्स हैं हमारे पास जिसमें रीनल वेन ऑब्वियसली रीनल कवर्ड किडनी के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये किडनी से ब्लड ड्रेन करती हैं। हेपेटिक वेन जो है ये ब्लड लिवर से लेकर आती हैं, और फेमोरल वेन जो कि फेमोरल आर्टरी सप्लाई कर रही थी लोअर लिम को, तो फेमोरल वेन जो है वो वहीं से ब्लड लेकर आती है। और ये सारे के सारे जो है ये एंटर होंगे किस में? जो नीचे से पाइप आ रहा है उसके नाम है इन्फीरियर वीना केवा, और फिर ये एंटर होंगे राइट एट्रियम के अंदर। ना ये दो नाम है, इब्न अल नफीस है, ये अरब फिजिशियन था, इन्होंने एक्सप्लेन की थी पल्मोनरी सर्कुलेशन। इनका मानना ये था कि जितना भी ब्लड है जो लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचता है वो पास होता है थ्रू द लंग्स। तो ये हमें पता है कि जो लेफ्ट साइड तक जो ब्लड आता है वो लंग्स से पास होकर आता है, तो राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ से ब्लड निकलता है और ये लंग्स तक जाता है और फिर ये मूव करके आता है लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। दूसरा ये विलियम हार्वी थे, ये इंग्लिश फिजिशियन थे, इन्होंने सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन की थी। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो इब्न अल नफीस ने एक्सप्लेन की, और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो इन्होंने एक्सप्लेन की। तो ये दो नाम अगर आप याद रखना चाहें सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, यहाँ पे ब्लड वेसल्स का टॉपिक जो है वो खत्म होता है।